हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं CRPF, SI, CISF, BSF और MTS सभी को एक साथ मिला करके रीजनिंग का क्लास है जो रामबाण सीरीज है। रीजनिंग का डेली सेट प्रैक्टिस होता है हमारे यूट्यूब चैनल रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर पर। और तो हम आज से CISF का, BSF का, CRPF का, सभी चीज़ का प्रैक्टिस करेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। अरे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होते हैं। पंख तो यूं ही फड़फड़ाता है, हौसलों से उड़ान होती है। देखिए हम लोग अब हौसलों से उड़ान भरेंगे। नंबर वन क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। नंबर वन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मतलब इस सीरीज का क्वेश्चन है कि आगे क्या चीज आएगा, आगे क्या कौन सा वर्ड हमारे क्वेश्चन में आएंगे। तो हमको देखना है भी है, भी के बाद एन दे दिया है, एन के बाद एफ दे दिया है। तो किस प्रकार से बनेंगे भी का, पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। भी का जो नंबरिंग क्या होता है 22, एन का नंबरिंग 14 और एफ का नंबरिंग जो होता है 6 होता है। तो इसको ऑप्शन वाइज से हम लोग कैसे डील करेंगे। तो 22 में से 8 गया तो 14 में से 8 गया तो 6 और 6 में से -8 यहाँ हम भी कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8-8 का डिफरेंस चल रहा है। कितना का डिफरेंस चल रहा है, 8-8 का डिफरेंस चल रहा है। तो 6 में से -8 करेंगे तो ए आ जाएगा, वो हमारा 0 नंबर होगा। उसमें से 2 घटाएंगे तो यानी कि इसमें से हम 6 में से माइनस करेंगे तो ए जो आएगा, ए नंबरिंग का पोजीशन 0 हो जाएगा। इसके बाद 2 माइनस हम करेंगे तो 2 माइनस करेंगे तो उसके बाद 2 माइनस कितना हो जाएगा, एगो हो जाएगा जेड, वाई और एक्स, कितना हो जाएगा एक्स। अब इसी प्रकार से माइनस हम किए हैं तो एक का नंबरिंग एक, फिर जेड का 0, फिर एक और 2। इसी प्रकार से यहाँ कितना आता है 6 के बाद 0, 0 के बाद एक चलेंगे तो 7, एक और 8। यानी कि हमारा जो अगला स्टेप आएगा वो कितना आएगा, एक्स से स्टार्ट होगा। क्यों चीज से स्टार्ट होगा, एक्स से, और डब्लू वाला ऑप्शन है जो साफ खत्म हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। एस का नंबरिंग 19 है, के का नंबरिंग 11 है और उसके बाद सी का नंबरिंग 3 है। तो इसमें भी देखिए यहाँ भी 8-8 का अंतर है। 19 में से 8 गया है तो 11 में से 8 गया है तो 3, और 3 में से इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे तो क्या होगा, 3 में से यानी जेड 0 नंबरिंग, और उसके बाद जेड के बाद 5 जाएंगे तो 5 में कितना आता है, -5 करेंगे तो 26 में से 5 जाएगा तो 21 होगा, यानी कि 21 होगा। तो यू का नंबरिंग 21 होता है और तो हमारा राइट आंसर डी नंबर होगा। इधर देख लीजिए भी का नंबरिंग है, जो भी का नंबरिंग 22 होता है तो ए भी हमारा गलती हो जाएगा क्योंकि 21 लाना है तो 21 का नंबरिंग कितना है, यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो है कभी कभी मैथ का भी घुसा देता है, ये मैथ का ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अभय के चाचा, ये क्वेश्चन पूरा पढ़नी होगी उसके बाद ये क्वेश्चन बनेगा। अभय के चाचा उसके लिए कुंकन से कुछ आम भेजते हैं, यदि वह प्रतिदिन कुछ निश्चित संख्या में आम खाता है। यानी उसके चाचा जो अभय के जो चाचा हैं वो प्रतिदिन आम भेजते हैं और प्रतिदिन अभय जो है कोई निश्चित संख्या में आम खाता है। तो वह अकेले जब आम खा रहा था तो एक दिन में 60 आम खा रहा था। कितना खा रहा था, एक दिन में 60 आम खा रहा था। यानी अभय जो है, अभय एक दिन में कितना आम खा रहा है,
अब है एक दिन में 60 आम खा रहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, लेकिन अभय के जो चचेरा भाई राजीव है उसके साथ छुट्टी बिताने के लिए आता है, तो दोनों मिलकर जो आम था दोनों मिलकर के 36 दिन में वो आम को खा जाता है। तो 36 दिन में आम को खा जा, यानी दो को मिल के खाता हुआ है, अभय खाता होगा और उसका जो चचेरा भाई होगा C4 चचेरा भाई लिख देते हैं, चचेरा भाई दोनों मिलकर के वो 36 दिन में वो आम खा लेता है। तो ये आम की कुल संख्या निकालनी ही पड़ेगी, तो आम की कुल संख्या निकालनी होगी, तो दोनों का LCM के मदद से, दोनों का LCM के मदद से हम लोग टोटल आम की संख्या निकालेंगे। तो टोटल आम की संख्या कितनी थी, 60 और 36 का LCM जब हम निकालेंगे तो 180 होगा, कितना होगा 180 होगा, और 180 होगा तो कितना बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा, यानी कि दोनों का LCM लिए, LCM लेने के बाद इससे इसको भागा देंगे तो 3 बार में कटेगा, इससे इसको भागा देंगे तो 5 बार में कटेगा। ये जो 3 आया है हमारे पास वो क्षमता है, क्या चीज़ है, क्षमता है, क्षमता, ये 3 है वो भी क्षमता है, ये 5 है वो भी क्षमता है, क्या चीज़ है, क्षमता है, यानी कि क्षमता के मतलब एक दिन में अभय 3 आम का खा सकता है और अभय और जाओ उसका चचेरा भाई मिले दोनों मिल करके एक दिन में 5 आम खा सकता है। क्षमता का मतलब एक दिन के काम को हम लोग क्षमता कहते हैं। तो अब बोला है कि अदिब राजीव अकेले आम खाता, राजीव जो है अकेले आम खाता तो कितना आम खाता, तो राजीव यानी उसका चचेरा भाई का नाम क्या है, राजीव है, तो यानी कि अभय यहाँ 3 आम खा रहा है एक दिन में, तो यहाँ भी अभय एक दिन में कितना आम खाएगा, 3 आम खाएगा, अभय कितना खाएगा एक दिन में, 3 आम खाएगा, तो बचेगा कितना, तो 2 आम, तो यानी 2 आम जो बचेगा वो कौन खाएगा, राजीव खाएगा, 2 आम कौन खाएगा, राजीव खाएगा। तो वही पूछ रहा है कि राजीव एक दिन में कितना आम खा सकता है, तो टोटल आम कितना है, टोटल आम 180 है, टोटल आम 180 है। अब पूछ रहा है राजीव का आम खाएगा, तो राजीव एक दिन में 2 आम खाता है क्योंकि दोनों मिला के 5 आम खाता है, तो अभय अकेले 3 आम खाता है, तो 5 में से 3 गया तो बचा जो 2 राजीव खाएगा, तो यानी 200 इसके जब हम भागा दे देंगे तो एक दिन का इसका काम निकल जाएगा। तो यानी कि जो यानी कि जो 90 आ गई हमारी, अब है अकेले अगर जो आम खाता तो 90 दिन में आम को खा लेता टोटल आम को, तो हमारा राइट आंसर कितना होगा, 90। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का क्वेश्चन है, किस प्रकार से बढ़ रहा है वो देखिए। 128 है, 116 है, 126 है, 118, 124, ये बहुत ही आराम से क्वेश्चन बनेंगे। इधर से देखिए 2 बढ़ाए हैं तो 128 में से 2 माइनस किए हैं तो 126, 126 में से 2 माइनस किए हैं तो 124। इसके बाद ए स्टेप पर पूछ रहा है, तो इधर से अगर जो हम लोग चलते हैं, तो 102 में से 116 में से 2 प्लस किया है तो 118, 118 में फिर अगला स्टेप जो बढ़ेगा तो 2 अगर जो हम लोग प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 120। इस प्रकार से आसानी से रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व होते हैं, समझ में आ रहा है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन सभी को अच्छी से दिखाई दे रही है, तो अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हम बताए हैं कि रीजनिंग का जब भी हम पढ़ाते हैं तो रीजनिंग के पढ़ाने वक्त हम पूरी क्वेश्चन को बढ़िया तरीका से और बहुत ही शॉर्ट मेथड में और बहुत ही फास्ट बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छी से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, GLOWING ग्लोइंग को क्या लिख दिया है, ए लिख दिया है, तो इसे क्या लिखेगा, तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि जी है तो यहाँ जी है फर्स्ट स्टेप तो ये सही है, लेकिन एल है तो एल नहीं है, जी ले आया है फिर उसके बाद ओ के जगह आई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या है, तो इसमें से कुछ नहीं किया है, इसको देखिए जी जो ग्लोइंग लिखा हुआ है उसको
उसको क्या कर दिया है, बढ़ते क्रम में सजा दिया है, क्या कर दिया है, बढ़ते क्रम में। तो देखिए जी है, जी है, जी के बाद क्या होगा, आई एल एन ओ डब्ल्यू, यानी यही जो ग्लोइंग लिखा है उसको बढ़ते क्रम में सजा दिया है, तो इसको इसको भी हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम के मतलब क्या होता है, पहले छोटी संख्या को लिखेंगे उसके बाद बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो छोटी संख्या इसमें सबसे पहले कौन है, तो छोटी संख्या सबसे है बी, बी के बाद क्या होगा हमारा, बी के बाद होगा आई, बी के बाद क्या होगा आई। अब इतना से ज्यादा हम लोग चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमारा स्टार्ट जो होगा बी से, तो ई आई से कर दिया, ए भी से कर दिया, ए भी खत्म, दो ऑप्शन हमारे पास बच गए हैं, दो ऑप्शन हमारे पास ई भी बी से स्टार्ट किया, ए भी बी से स्टार्ट किया, लेकिन बी के बाद हमको आई होनी चाहिए, ए बी के बाद ओ लिख दिया, ए भी खत्म, और बी के बाद आई, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा, तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सीटिंग अरेंजमेंट को कहा क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन को पहले जो ऊपर लिखा हुआ निर्देश है उसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को बनाएंगे। क्या कहा है, क्या कहा है, देखिए चंचल के चंचल जो है, चंचल सामने से आठवें स्थान पर है, तो लो भाई तुम चंचल हो, चंचल लड़की है, चंचल चंचल आठवें स्थान पर है, चंचल सामने से आठवें स्थान पर, लो यहाँ इस प्रकार से बना देते हैं, चंचल यहाँ आठवें स्थान पर है, लेकिन फिर उसके बाद किया क्या है, जब प्रिंस उस पंक्ति के पीछे से 11 है, प्रिंस जो है पंक्ति के पीछे से कितना है 11 है, प्रिंस का स्थान है पीछे से 11, लेकिन क्या कहता है, यदि वे आमने सामने स्थान बदल लेते हैं, यानी दोनों अपना स्थान को बदल लेता है, इधर चल जाता है और ये इधर चल जाता है, तो क्या कहता है, तो चंचल सामने से उसका स्थान है जो 22वां आ जाता है, यानी इधर जब चंचल आता है तो उसका स्थान क्या चीज हो जाता है, इधर जब चंचल आता है, चंचल आती है तो उसका स्थान 22वां हो जाते हैं, चंचल आती है और चंचल, तो दोनों अपना स्थान बदल लेता है, तो इधर ही आता है तो इसका पोजीशन यहाँ 11 हो गया, तो इससे कोई हमको मतलब नहीं रहा क्योंकि ये डिनोट कर रहा था, तो यानी 11 और 22, 11 प्लस कितना 22, 11 प्लस 22 कितना हो गया हमारा -1 इसलिए करते हैं कि हम एक पोजीशन को, एक स्थान को दो बार ऐड नहीं कर सकते, अगर जो इधर से हम गिने तो 22वां जो है ऐड होगा और इधर से भी गिनेंगे तो 22वां ऐड होगा, इसीलिए एक माइनस कर देते हैं, तो 11 और 22 कितना हो जाता है 33, और 33 में से एक माइनस करेंगे तो 32, यानी जो हमारे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो विद्यार्थियों की संख्या कितना होगी 32, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, खलनायक नहीं नायक हूं मैं, ये तो फिल्म देखवे किए होंगे, गाना भी सुने होंगे, खलनायक नहीं नायक हूं मैं, खलनायक जो गुंडा हो गया, नायक हीरो हो गया, जैसे कि हम हीरो हैं, नायक हैं, आप लोग गुंडा हैं कि क्या है, आप लोग भी हीरो बन जाइए, नौकरी लीजिए और आप भी हीरो बन जाइए, तो क्या है, खलनायक को क्या लिखा है, नायक, यानी गुंडा को हीरो, तो शैतान को फरिश्ता, शैतान को क्या चीज, फरिश्ता, कहानी खत्म, आसानी से सोल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फिर एक क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन हम बार बार बताते हैं, ये क्वेश्चन हम बार बार बताते हैं कि जो इसको है वह 29 लिखा है, इसको 29 कैसे लिखा है वो एक बार देख लीजिए, इसको 29 कैसे लिखा, तो पहले इस वर्ड को हम लोग यहीं पर सजा देंगे और ये वर्ड को हम लोग कैसे, इस वर्ड को हम लोग नंबरिंग करेंगे, ज़्यादा पेज लेंगे नहीं, नंबरिंग करेंगे आसानी से, कैसे होता F का जो नंबरिंग नीचे लिख देते हैं, F EVERISH, इसको 29 लिख दिया है, 29 कैसे लिखा है, F का नंबरिंग 6 होता है, E का नंबरिंग 5 होता है, V का नंबरिंग जो है वो 22 होता है, E का नंबरिंग 5 है, R का 18 है, ये तो नंबरिंग आपको याद करनी होगी, S का 19 है और H का जो हमारा है वो 8 है, तो अब आप इसको ऐड कर लीजिए, सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद कितना आता है वो देख लीजिए, 6 5 11 11 22 कितना हो जाता है 33, 33 में 5 जोड़ेंगे तो 38,
38 में हम लोग 18 जोड़ेंगे, तो पहले 38 में 18 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा, 56 में 9 जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा, और 65 में जब लोग हम 19 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 84 आ जाएगा, 84 में जब 8 जोड़ेंगे हम लोग तो 92 आ जाता है, कितना आ जाता है 92। इससे यह पता चला कि 92 को उलट दिया है तो 29 बना दिया है, यही ने किया है, 92 को उलट करके 29 बना दिया, तो हम भी इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करके हम लोग उलट देंगे। तो M का नंबरिंग जो होता है 13 होता है, U का नंबरिंग जो है 21 होता है, T का 20 होता है, A का 1 होता है, T का 20 होता है, E का 5 होता है, D का 4 होता है। इसको सब ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद देखिए कितना आएगा, 13 में जब हम लोग 21 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, 34 में जब हम लोग 20 जोड़ेंगे तो 54 एक 55, 55 में जब हम लोग 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 में हम लोग जब 20 जोड़ेंगे तो 75, 75 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 80, 80 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 84, और 84 को हम भी उलट देंगे तो कितना हो जाएगा 48, यानी 48 हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस प्रकार से ऑप्शन वाइज क्वेश्चन जो रीजनिंग का है बहुत ही आसानी से सोल्व होती है। इस बार सिलेक्शन पक्की होनी है, CISF का हो, CRPF का हो, BSF का हो, या फिर MTS का क्यों ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है क्या कह रहा है वो देख लीजिए, 6 के बाद 11 लिखा है, 11 के बाद 18 लिखा है, 18 के बाद 27 लिखा है, 27 के बाद 38 लिखा है, कैसे लिखा है, 6 में 5 ऐड किया है, 6 में क्या चीज़ किया है, 5 ऐड किया है, 5 फिर 11 में कितना ऐड किया है, 11 7 कितना हो जाएगा 18, 18 में 9 जोड़ेगा तो 27, 27 में फिर कितना, 27 में कितना जोड़ेंगे तो 38 आएगा, 11 जोड़ेंगे तो इससे हमको क्या सीरीज में पता चलता है कि 5 में 2 जोड़ा है तो 7, 7 में 2 जोड़ा है 9, 9 में 2 जोड़ा है 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, और 38 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग मैथ में पढ़े हैं इकाई अंक, इकाई अंक से निकाल लेते हैं, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, यानी इकाई अंक 1 होना चाहिए हमारा, तो किस में है इकाई अंक 1, इस एन ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में है, डी में नहीं है। इस प्रकार से आसानी से हम लोग बनाएंगे रीजनिंग को, रीजनिंग को बहुत आसान, रीजनिंग बहुत आसान है, लेकिन आप लोग इसको बोल बोल कर भारी कर दिए, लेकिन अब रीजनिंग हुआ बहुत ही आसान, रीजनिंग के साथ हम लोग खिलवाड़ करेंगे, इसके साथ पढ़ेंगे नहीं, किस प्रकार से क्वेश्चन से खेला जाता है वो देखिए। देखिए हम हर एक वीडियो में बोल रहे हैं कि सभी को डायग्राम से नहीं बनाएंगे, क्योंकि डायग्राम से बनाने में बहुत समय लेती है और डायग्राम गलती भी करवा देती है, तो डायग्राम से हम लोग नहीं बनाएंगे, सभी को हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं, सभी को हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ को हम लोग सभी नहीं पढ़ सकते हैं। क्या चीज़, सभी को हम लोग कुछ पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते हैं, और अगर जो पीछे से पढ़ना है तो सभी वाले वाक्यों में कुछ छुपा हुआ रहता है, सभी वाले वाक्यों में कुछ छुपा रहता है। तो न्याय निगमन का यानी सिलोलिज्म का जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले हमको निष्कर्ष को देखना है, निष्कर्ष के अनुसार हम लोग कथन को पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, फर्स्ट निष्कर्ष में क्या कह रहा है, सभी मग बोतल है, क्या चीज़ है, सभी मग बोतल है इधर से नहीं, सभी मग बोतल है, यानी कि एक कौन काम किया है, इधर से पढ़ दिया, तो इधर हम बोले थे कि कुछ छुपा होता है, कुछ को हम लोग सभी नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन सभी को कुछ पढ़ सकते हैं, तो इधर से बोला है सभी मग बोतल है तो नहीं पढ़ सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर एक हमारा गलत है। फिर देखिए कुछ मग पेन है, क्या है, कुछ मग पेन है, दूसरा निष्कर्ष को जब हम देखते हैं तो कुछ मग क्या है, पेन है, तो दूसरा
कुछ मग पैन है, तो यानी इधर से अगर जो हम लोग कॉमन वर्ड लेते हैं, यानी तो कॉमन वर्ड का फंडा बता दिए हैं कि कॉमन वर्ड के पहले या तो सभी होनी चाहिए या तो कोई भी नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव बाक रहे तो कोई भी नहीं होनी चाहिए और पॉजिटिव बाक रहे तो सभी होनी चाहिए। तो देखिए बोतल के पहले सभी तो है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या चीज लिखा है, कुछ मग पैन है, तो इधर पढ़ सकते हैं कुछ मग पैन है, तो हाँ पढ़ सकते हैं कुछ मग पैन है, यानी कि इसको हम पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर दो होगा, निष्कर्ष दो किसमें है, निष्कर्ष दो सही होगा, तो निष्कर्ष दो यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन के साथ खिलवाड़ करना है, क्वेश्चन से टेंशन नहीं लेना है, तो क्वेश्चन से टेंशन नहीं लेना है। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बनती है, एक इसको यह लिख दिया है, तो इसको किस प्रकार से यह लिख दिया है, इससे पहले हम इस पर एक बार दिमाग लगाएंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे लिख दिया। तो इसको जब देखते हैं तो हम ये साइड देखते हैं तो इधर सरिया के नहीं लिखा है, लेकिन इसको घटते क्रम में लिख दिया है। कौन सा क्रम में लिख दिया, घटते क्रम। देखिए बाई के बाद यू, यू के बाद टी, एल, आई, आई आई, उसके बाद एफ, उसके बाद डी, यानी कि घटते क्रम में लिख दिया है, तो इसको भी हम घटते क्रम में लिख देंगे। तो घटते क्रम का फंडा क्या होता है, सबसे पहले जब लिखेंगे तो सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखेंगे, बड़ी के बाद छोटी, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, इसी को हम लोग घटते क्रम कहते हैं। तो आई इसमें से सबसे छोटी जो संख्या है वो आपको कौन दिख रहा है, कौन दिख रहा, यानी कि घटते क्रम में नहीं है, सॉरी ये जो है घटते क्रम में नहीं है, इसको चेंज कर दिया है, तो हम भी चेंज करेंगे। क्या किया है, बाई है जिसको पहले लिख दिया है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है जो कुछ उत्पुटांक सा दे दिया है, किस प्रकार से चेंज किया है हम पहले लिख लेते हैं एक बार, एफ एल यू आई डी आई टी वाई। तो अब देखिए अब हम लोग भी इसको लिख देते हैं, बाई यू टी L I I F D, इस प्रकार से। तो इसको किस प्रकार से हम लोग लिखा है जो देख लीजिए, U को तो यहाँ से साइड मिला दिया है, इसको यहाँ ले आया है, और L को इधर ले आया है, यानी एक अंक छोड़ करके ले आया है। तो इस प्रकार से जब हम इसको इम्प्रेस को लिखेंगे तो इम्प्रेस को यानी कि तीसरा नंबर है वो सेकेंड नंबर में P आनी चाहिए, लेकिन दे नहीं रहा है, दे नहीं रहा है। तो किस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे वो देख लेते हैं कि सर एक क्वेश्चन को हम लास्ट में बढ़िया से सरिया करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ज्यादा जूम हाँ, देखिए ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। पेपर कटिंग का क्वेश्चन में क्या चीज कहता है, पेपर कटिंग का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये पेपर है, इसको काट दिया है, इसको काटने के बाद अगर जो पेपर इस प्रकार से है तो पेपर को फोल्ड कर दिया है, पेपर को फोल्ड कर दिया, पेपर को फोल्ड करने के बाद, पेपर को फोल्ड करने के बाद क्या किया है कि एक पेपर है इसको बीच से एक बार फोल्ड किया है, बीच से फोल्ड करके उसके एक बार और फोल्ड किया है, एक बार और फोल्ड किया है। तो एक बार और फोल्ड करने से क्या होगा कि इसको जब हम यहाँ रखेंगे और इसको एक बार पलटेंगे तो ईज जो है एक बार क्या होगा, हियाँ भी रहेगा और एक बार हियाँ भी रहेगा, दो जगह कटिंग का निशान होना चाहिए, इसमें कटिंग का निशान नहीं दिया, ऑप्शन नंबर आराम से यह छट गई। उसके बाद तीन ऑप्शन बच गया है, तो तीन ऑप्शन में देख लीजिए कि जब भी कटिंग होगा तो एक साइड हियाँ होगा और एक साइड हियाँ, दो जगह कटिंग का निशान होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन भी हमारा कटिंग खत्म हो गया, क्योंकि ये एक जगह है, और जब ए और डी को हम लोग देखते हैं तो ए और डी को हम लोग देखते हैं तो ए और डी को जब हम लोग देखते हैं तो इसका ऑप्शन कौन होगा, तो इसको जब यहाँ रखते हैं तो एक बार इसको जब इस प्रकार से खोलेंगे तो इधर भी यहाँ बनेगा और इधर इसमें इधर है तो इसमें इधर भी होगा, इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो इधर भी दो निशान बनेगी, तो दो निशान इसमें है, दो निशान ऊपर नीचे, लेकिन ये जब ऊपर नीचे जब फोल्ड होगा तो यहाँ ए भी बनेगा, यहाँ ए भी बनेगा, और तो इस प्रकार से एक फिगर तो ऐसे पलटेंगे, इधर है ऐसे पलटेंगे तो
एक फिगर हियाँ और एक फिगर हियाँ, जब भी बनेगा एक कटिंग का निशान दो फिगर बनेगा। तो यानी चार वाला ऑप्शन किधर है, तो चार वाला ऑप्शन नंबर एक में है, ये तो ऐसे बेतुका दे दिया, जब भी बनेगा गोल बनेगा, ये तो ऐसी, ये तो खाली सिर्फ लाइन खींच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, कौन ये क्वेश्चन, ये नहीं है बनाने के लिए छोड़ दिए हैं, बनाइए और दिमाग लगाइए कि कितना दिमाग आपको चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को की ओर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग पढ़ना हुआ आसान और डेली फ्री बैचेज यूट्यूब पर, रुक्मिणी एजुकेशन चैनल पर डेली वीडियो मिलेगा, इसको क्या किया है, इसमें दिमाग लगाइए। और इसमें से पूछता है कि ये जो लिखा है इसे संबंधित ये चार ऑप्शन में कौन है, तो चार प्लस तीन कितना हो जाएगा, हम लोग इस प्रकार से करेंगे, चार 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 प्लस तीन, चार और प्लस तीन तीन कितना होता है सात, सात अगुने पाँच, सात पचे पैंतीस, यानी इस प्रकार से किया है, ये दोनों को जोड़ दिया है, उसमें पाँच से गुना कर दिया है, तो चार प्लस तीन सात पचे पैंतीस, और देखते हैं हम लोग जोड़ करके नौ छः पंद्रह, पंद्रह में पाँच से गुना करेंगे तो पंद्रह पचे पचहत्तर, यानी ये ऑप्शन खत्म हो गई। इसको देखते आठ तेरह, आठ तेरह कितना होता है इक्कीस होता है, इक्कीस में तीन से अगर जो पाँच से गुना करेंगे तो इक्कीस पचे पचहत्तर से होता है, यानी एक सौ पाँच होता है इक्कीस, तो ये ऑप्शन भी खत्म, 110 लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, 12 प्लस 7, 12 प्लस 7 कितना होता है 19, 19 में गुना 5 से करेंगे तो 19 पचे 95, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ए भी खत्म हो जाएगी एक जब सही हो गई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या बोला है कि पे जो आकृति है इसको घुमानी नहीं है, जिस प्रकार से आकृति दी गई है उसी प्रकार से हम लोग आकृति को, इसमें से ये आकृति बनाई गई है वो कौन सा इस चार ऑप्शन में ये आकृति है, तो हम लोग देखते हैं। जब फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग फर्स्ट ऑप्शन पर आते हैं तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहता है कि हमारी जो आकृति होगी वो इस प्रकार से होगी, इधर से आनी चाहिए ठीक बना है, उसके बाद नीचे आनी चाहिए ये भी बना है, लेकिन बोला है ये कोना से इस प्रकार से मिलनी चाहिए, तो ये कोना से नहीं मिल रहा है, नहीं दिया गया है, खत्म। फिर उसके बाद दूसरे आकृति में हम लोग आते हैं तो क्या बोला है कि इधर कोना, इधर से आनी चाहिए कोना पर से, और इधर नीचे जानी चाहिए, और नीचे आधा पर से, देखिए आधा पर से एक लाइन खींचा है, यानी हियाँ से खींचानी चाहिए, यानी ये भी नहीं खींचा, ऑप्शन खत्म। अब जब हम ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो हियाँ से तो खींचा है, कौन बनाया है, लेकिन हियाँ से मिलनी चाहिए, हियाँ से नहीं मिला, ये भी खत्म। और अगर जो हम लोग दूसरा में देखते हैं ऑप्शन नंबर चार हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि तीन ऑप्शन छाट चुके हैं तो चौथा ऑटोमेटिक सही होगा। तो इसको भी एक बार हम देख लेते हैं, इस प्रकार से इधर लानी चाहिए, इधर लानी चाहिए, और इसमें से कोना पर से बन रहा है तो इसमें भी बन ही रहा है, और इसके बाद क्या क्या है हियाँ से एक बननी चाहिए, तो देखिए एक बार हियाँ से भी बन रही है। इसको अगर जो हम निकालना चाहें तो निकलेगा कि नहीं देख रहे, निकालना चाहते, हाँ देखिए निकल रहा है, इसको इधर कर दिए, इधर कर दिए तो सेम ऐसा ही फिगर बन रहा है इसके ही जैसा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगी हमारी राइट आंसर होगी। क्या चीज होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी क्या चीज है, दर्पण का क्वेश्चन है, दर्पण का क्वेश्चन है, तो दर्पण के क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या करना है कि दर्पण को, दर्पण के क्वेश्चन में क्या करना है कि दर्पण सबसे पहले पढ़ना है कि दर्पण कहाँ रखा है, दर्पण राइट साइड में रखा है या लेफ्ट साइड में रखा है। अगर जो हम हर बार दर्पण के क्वेश्चन बताते हैं तो हर एक वीडियो में बताते हैं कि अगर जो दर्पण राइट साइड में रखी हो, दाएं तरफ रखी हो, तो उसका जितना भी बनेगा फिगर घूम जाएगा और फिगर बाएं तरफ बनेगा, और जितना उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या, अगर जो बाएं तरफ दर्पण रखा है तो जितना भी फिगर बनेगा उसका मुड़ी तुड़ी सब बाएं तरफ होगा, और नीचे रहेगा तो ऊपर बनेगा, ऊपर रहेगा तो नीचे बनेगा, दर्पण में का यही एगो खूबी है। तो क्या बोला है, दाएं तरफ दर्पण रखने के लिए इधर तो हो गया दाया और इस साइड हो गया हमारा बाया, तो इस प्रकार से इधर हम लोग दर्पण को रखेंगे, दर्पण रखा है तो यानी कि ये जो जो चतुर्भुज है वो इस साइड यानी लेफ्ट साइड बनेगा, तो लेफ्ट साइड किस किस में बन रहा है, इसमें तो ऊपर कर दिया है, ये बिल्कुल गलत है, इसमें जैसे के जैसी रखा है ये बिल्कुल गलत है, और ऑप्शन नंबर हमारा या तो ए सही है या तो सी सही है। देखिए ऑप्शन से किस प्रकार से छटती है क्वेश्चन है।
बनती है क्वेश्चन, देखिए किस प्रकार से। तो इसको इस साइड करेगा तो यानी कि कोना से ही, यानी इधर के कोना से ही ये लाइन खींचाएंगे। तो ये तो जैसे खींचा है उसको एक सेम प्रकार से ऐसे धर दिया है, यानी ए ऑप्शन भी गलत। और इसमें ही कोना पर से इस प्रकार से अगर जो यहाँ से चतुर्भुज बनेगी तो इस प्रकार से खींचाएगी क्योंकि इधर आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देख लीजिए क्वेश्चन बढ़िया से, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन को बनाने वक्त एक बात को ध्यान दीजिएगा कि सीटिंग अरेंजमेंट का जब क्वेश्चन बनाते हैं तो इसको पढ़ना जरूरी है। देखिए छह लोग हैं ग्रुप में, फोटो खिंचा रहे हैं, फोटो पोज देकर खिंचाते हैं। तो आप लोग भी फोटो पोज देकर खिंचाते होंगे, कोई मुड़ी टेढ़ा करके, कोई जीभ निकाल करके, हर प्रकार से सब पोज देते हैं। तो इसमें भी देखिए कि सब पोज देते हैं, लड़कियां ज़्यादा पोज देती है, लड़का तो बेचारा सीधा होता है, लड़का आराम से कोई पोज नहीं देता है, लड़का आराम से फोटो सीधा टाइप के खींचा लेता है, लड़की मुड़ी टेढ़ा कर लेती है, कभी जीभे काट के बिक देती है, पते नहीं चलता है क्या कर रही है, फोटो खिंचा रही है कि कुछ और कर रही है। तो देखिए छह लोगों का ग्रुप है, कैमरा के समक्ष पोज दे रहा है, यानी तो गोल तो रहेगा नहीं कैमरा। इस प्रकार से अगर जो हम लेते हैं कैमरा को, तो कैमरा तो इसी प्रकार से सब सामने होगा। तो छह लोग दे देते, एक दो तीन चार पाँच और छः। अब अगर जो हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनाते हैं तो एक साथ दो गोल लेकर चलना होता है, दो लाइन को, ताकि दो लाइन को बनाते हैं तो एक लाइन से छटेगा तो दूसरा आराम से बनेगा। तो दो लाइन हम खींच लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच और छः। देखिए किस प्रकार से अब आगे पढ़ते जाएंगे क्या कह रहा है। पी ठीक एन और एस के बीच में, पी जो है एन और एस के बीच में, पी जो है एन और एस के बीच में है, इधर डाल देते हैं, पी जो है एन और एस के बीच में है, लिख दिया यहां, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ेंगे, जबकि क्यू एन के बाईं ओर है, क्यू कहाँ है, एन के बाईं ओर है, एन के बाईं ओर तो यहाँ लिखा नहीं सकता है क्योंकि खत्म हो गया, यानी क्यू जो है एन के बाईं ओर है, कौन, क्यू, तो क्यू लिख दिए हैं। उसके बाद क्या कहा, ओ दाएं छोर पर है, यानी कि ओ जो है सबसे लास्ट पोजीशन पर है, दाएं छोर पर ओ है। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए, जबकि उसके बाईं ओर पड़ोसी में आर बैठा है, किसके बाईं ओर बैठा है, ओ के, ओ के, ओ के दाएं, ओ दाएं छोर पर है, जबकि आता है इसके लिए, ओ के लिए, तो क्या है, उसके बाएं ओर पड़ोसी में कौन बैठा है, आर बैठा है। तो ओ के पड़ोसी में कौन बैठा, आर बैठा है। देखिए यहाँ आर बैठ ले था पहले ही से, आर बड़ी तेज है, आर नाम वाला बड़ी तेज होता है, पहले से बैठा ले। तब क्या पूछा, एस के दाएं पड़ोसी में कौन बैठा, तो एस के दाएं पड़ोसी में, तो इधर दायां होता है, इधर बायां होता है, इधर दायां होता है, इधर बायां होता है, तो क्या बोला, एस के दायां, तो इधर दायां, तो यानी एस यह है हमारा, एस यह है, एस के दायां में कौन बैठा ले, आर, यानी कि आर, आर बैठा हुआ है, तो आर किधर होगा, आर को देखिए, इस आर किधर है, आर नहीं दिख रहा है, तो इसको हम मिटा देते हैं कि यानी आर होनी चाहिए ऑप्शन में, तो यार सी नंबर में दिया हुआ है, तो सी नंबर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन देती है, बहुत आसान क्वेश्चन है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्रीवी रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर प्लेटफॉर्म, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, उस पर जो क्वेश्चन कराई जाती है प्रीवियस ईयर का कराई जाती है, ये नहीं कि बच्चा वाला क्वेश्चन करवाई जाती है, टोटल जो प्रीवियस ईयर पीछे जो पूछा गया है वही क्वेश्चन करवाया जाता है, आसान क्वेश्चन हो या हार्ड क्वेश्चन हो प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन चलता है। तो देखिए सभी क्वेश्चन अपने आप में मायने रखता है। तो क्या किया है, 144 है और 168 है, तो किस प्रकार से लिखा है, यानी कि यहाँ पता चल रहा है कि 12 का स्क्वायर 144 होता है और 12 के 2 से गुना कर दिया है, तो 12 गुने 2 कितना हो जाता है, 24, 12 गुने 2 कितना हो जाता है, 12 गुने 2 24 हो जाता है, क्या हो जाता है, 24 हो जाता है। तो हम लोग 144 अब इसको ऐड कर देते हैं, कितना, 24 को ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाता है, 4 4 8
चार दो छः एक, यानी कितना हो जाता है 168, 168 जब हो जाता है तो इसी प्रकार से क्या पता चलता है कि किसी का स्क्वायर करें और स्क्वायर कहला के बाद उसको दो से गुना कर दें और दो से गुना करके बाद उसको जोड़ दें। तो देखिए ये कितना है 11, 11 के 21 है तो 21 किसका स्क्वायर होगा, 11 का स्क्वायर होगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 121 11 को फिर दो से गुना करेंगे, 11 को जब हम दो से गुना करेंगे तो 11 दूनी 22, यानी 121 में हम जब 22 जोड़ते हैं तो कितना आता है 213, 224 और 1, यानी 143 आता है, यानी ऑप्शन नंबर एक से हमारा छट गया। दोबारा देखने के दूसरा क्वेश्चन कोई मौका नहीं देने चाहिए, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और क्वेश्चन पर सीधा ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आ गए सिलोलिज्म की क्वेश्चन, न्याय निगमन की क्वेश्चन। न्याय निगमन की क्वेश्चन बनाते समय हमेशा एक बात पर ध्यान दीजिए कि सभी को कुछ पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते, सभी को कुछ पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ को सभी नहीं पढ़ेंगे। एक बार फिर से लिख देते हैं, सभी को कुछ पढ़ सकते हैं, क्या चीज, सभी को कुछ पढ़ सकते हैं, सभी को कुछ सभी को कुछ पढ़ सकते हैं लेकिन कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते हैं, क्या चीज, कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से पहला जब यह ऐसा क्वेश्चन न्याय निगमन के हम लोग बनाते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग निष्कर्ष के पढ़ेंगे और निष्कर्ष के पढ़ने के बाद हम लोग कथन को देखेंगे। तो क्या है, सभी प्लेट कप है। तो इसको अगर जो विपरीत से पढ़ते हैं तो विपरीत से पढ़ने में क्या चीज़, कुछ छुपा हुआ रहता है, क्या चीज़ होता है, कुछ छुपा हुआ रहता है, लेकिन कुछ को हम लोग सभी नहीं पढ़ सकते हैं। तो क्या है, प्लेट और कप किस में है, प्लेट और कप इसी में है, तो कुछ प्लेट कप है, हो सकता था लेकिन सभी प्लेट कप पढ़ा है, यानी कि निष्कर्ष नंबर एक गलत है। दूसरा पढ़ते हैं, कुछ कप तस्करी है, कप और तस्करी का संबंध कहाँ बन रहा है, कप हियाँ है, तस्करी हियाँ है, प्लेट से प्लेट कॉमन हो सकती है या नहीं, देखते हैं। तो हम इससे पहले बताए हैं कि अगर जो कॉमन वर्ड है तो कॉमन वर्ड के पहले पॉजिटिव है तो सभी होनी चाहिए, और सभी नहीं है तो नेगेटिव है तो कोई नहीं होनी चाहिए। तो इधर देखिए, सभी यानी होनी चाहिए, नेगेटिव वर्ड के जस्ट पॉजिटिव वर्ड के कॉमन वर्ड के जस्ट पहले सभी होना चाहिए, लेकिन कुछ है तो यानी कि इससे भी जो बनेगा दोनों कॉमन वर्ड से वो नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर भी दो भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर दोनों गलत हो गया, तो ना तो निष्कर्ष नंबर एक होगा और ना ही निष्कर्ष दो होगा, दिस इज हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इस प्रकार से फिगर वाला क्वेश्चन बनाना हुआ अब बहुत ही आसान। फिगर वाला क्वेश्चन में क्या चीज़ हम लोग देखते हैं, फिगर वाला में क्या चीज़ करता है, ये जो सफ़ेद भाग आपको दिख रही है उसको चेंज करते हैं तो आ जाएगा। देखिए आंसर ऊपर है नीचे है, ऊपर है नीचे है, यानी सफ़ेद वाला भाग हुआ जो सब क्या चीज़ है, ऊपर है नीचे है, नहीं सॉरी बीच में है, उसके बाद नीचे किया, उसके बाद क्या चीज़ किया, ऊपर, तो अगला बार बीच में आने चाहिए, बीच में आने चाहिए सीक्वेंस के अनुसार। ये फर्स्ट में क्या है, एक गलत, ये भी क्या है गलत, यानी कि दो ऑप्शन तो खत्म हो गई, हमारा बी और डी बच रही है। तो बी और डी में देखिए, ये जो है ई जो बीच में किया है उसका साइज मीडियम है, ये व्हाइट वाला है, इसका देखिए कि अगर जो बीच में है तो देखिए बीच में है तो उसका साइज मीडियम है, नीचे आया है तो साइज छोटा है, फिर क्या चीज़ किया है कि इधर बीच में कि ऊपर है तो सबसे बड़ा साइज है, यानी कि फिर बीच में आएगा तो उसका साइज मीडियम होनी चाहिए, लेकिन इसका साइज देखिए छोटा कर दिया, यानी डी नंबर का मीडियम साइज है, बिल्कुल सही। आराम से देखिए किस प्रकार से फिगर वाला क्वेश्चन सोल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सब फिगर वाली क्वेश्चन जो होती है बनाना बहुत ही आसान होता है। फिगर वाला देखिए बनाई, ये जो लाइनिंग जो आ रहा है आपको इस साइड से जाना रहा है, यानी कि किस साइड से जाना रहा है, उत्तर थी पूर्व साइड से लेकर के पश्चिम साइड से, फिर एक स्टेप में काला टाइप के कर दिया है हल्का पतला, उसके बाद की क्या है इधर से खिंचाएगा, यानी कि विपरीत साइड से चल रही है। तो विपरीत साइड से चलने में क्या होता है, चाहे
विपरीत साइड से चल रहा है तो क्या होगा, इधर से लिया है तो अभी इधर से होगा, इधर से इधर से। इसके बाद अगर जो इधर से लिया है ए लाइन इधर से खींच दिया तो अगला बार जो इसमें आएगा इधर से खींचाएगा, तो इधर से ऑप्शन नंबर एक में है। बी में तो पतला लाइन खींच दिया, होबे नहीं करेगा, ए भी नहीं होगा, ए इधर से खींचा है लेकिन खींचना चाहिए हमको इधर से, ये भी ऑप्शन खत्म। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन की जवाब जो होती है हमारी इस प्रकार से होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस पर ज़्यादा टाइम देने से कोई फायदा नहीं। जिस प्रकार से सिलाई मतलब जो कपड़ा उपड़ा सीता है उसको सिलाई कहते हैं, तो सिलाई कपड़ा कौन सीता है, दर्जी सीता है, तो चित्र कौन बनाएगा, चित्रकार बनाएगा। आप लोग भी चित्रकार होंगे ही होंगे उम्मीद जैसा जताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम का ही क्वेश्चन है। क्या चीज़ कहता है ये क्वेश्चन में, फिगर वाले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या चीज़ है। पेंसिल शॉर्पनर लेड, लेड किसको कहते हैं आप जानते होंगे, लेड बचपन में हम पढ़ रहे हैं, ये जैसे कि पेंसिल है तो पेंसिल है, पेंसिल का जो सबसे ऊपरी जो जिससे हम लिखते हैं नोखीला होता है उसको क्या चीज़ कहते हैं, उसको लेड कहते हैं। तो ये पेंसिल हो गई, पेंसिल के अंदर ही नोखी रहता है तो ये नोखी यानी लेड हो गई। और लेड और क्या चीज़, शॉर्पनर किसको, जिसको इसको छीलते हैं उसको शॉर्पनर कहते हैं, तो ये दोनों का से अलग शॉर्पनर होगा। ये कौन सा फिगर है, फिगर नंबर एक में है, ये भी गलत और ये भी गलत, इस प्रकार से फिगर वाली बनती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इस पर दिमाग लगाइए और बनाइए। इसमें कौन सा कर दिया, ए देख लीजिए, ये क्या है, इसको लिखा है इस प्रकार से, कैसे लिख दिया है आप दिमाग लगाइए कि कैसे लिख दिया है, दिमाग लगाइए उसके बाद सोचिए। क्योंकि जब आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम में बैठने से पहले आपको संपूर्ण तैयारी करनी होती है। यहाँ जो हम बता रहे हैं या तो टेंथ का विद्यार्थी हो या ग्रेजुएशन का विद्यार्थी हो, सभी विद्यार्थियों को एग्जाम में बैठनी होती है। MTS का क्वेश्चन है, CISF का क्वेश्चन है, CRPF का क्वेश्चन है, BSF का क्वेश्चन है, सभी को मिक्सचर क्वेश्चन इसमें लाया गया है। तो देखिए इसको किस कौन प्रकार से हम भी इसको नंबरिंग को लिख देते हैं, PETITION क्यों, 7529295 क्यों लिखा, पी का नंबरिंग कितना होता है 16, हम भी लिख दिए, क्या होता है 5, क्या होता है 20, आई का नंबरिंग 9, टी का नंबरिंग 20, आई का फिर से 9, ओ का 15 और एन का क्या होता है 14, एन का क्या होता है 14। तो क्या क्या है, ये दोनों जो नंबर है उसको जोड़ दिया, तो 6175 सिंगल है, 5 रखा है, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, 9 जोड़ेंगे तो 9 किसी में नहीं जुटेगा, तो 2 और 0 2 ही होगा, 9 होगा, फिर 5 एक 6 होगा, और फिर 4 एक कितना होगा 5 होगा। देखिए यही लिखा दिया होगा 7529295, यही यानी कि जो भी है उसका नंबरिंग लिख करके ऐड कर दिया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, नंबरिंग लिख करके ऐड करेंगे, तो यानी कॉम्प्लेक्स को क्या लिखाएगा, तो कॉम्प्लेक्स यानी सी का नंबरिंग 3 होता है, तो 3 से जितना भी बनेगा वो राइट आंसर होगी। तो 3 से ए तो देखिए 4 नंबर 4 से बना दिया ऑप्शन नंबर ए में, डी में भी 4 से बना दिया, यानी 2 गो गलत हो गए। फिर उसके बाद क्या है 15 का नंबरिंग कितना होता है 5 1 6, तो यानी 3 के बाद हमको 3 के बाद क्या चीज़ होना चाहिए 6, 3 के बाद 6 कौन ऑप्शन में है, 3 के बाद देखिए 5 कर दिया है, ए भी गलत है, 3 के बाद 6 क्या है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन दस सेकेंड का वक्त है, अच्छी तरह से पढ़िए और जवाब दीजिए, नहीं समझ में आई, देखिए नहीं समझ में आई। एस का नंबरिंग कितना होता है 19 होता है, एम का 13, ओ का 15, ओ का फिर से 15, टी का 20, ज़्यादा नहीं लिखे इतना में ऑप्शन छट जाता है। देखिए 19, यू का नंबरिंग 21, के का नंबरिंग 11, क्यू का नंबरिंग 17, एम का नंबरिंग 13, वी का नंबरिंग 22, एफ का नंबरिंग 6, ज़्यादा नहीं इतना में हो जाएगा। देखिए यानी 19 में पहले 19 में 2 जोड़ा है तो 21, फिर 13 है, 13 में से 2 घटाया है तो 11,
दो घटाया तो 11। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं फिर 15 में से क्या चीज़ दो घटाया है, 15 में से दो जोड़ा है तो क्या चीज़ हो गया है 17। फिर 15 है, 15 में से फिर क्या चीज़ दो घटाया है तो कितना हो गया 13। यानी कि इस प्रकार से चल रहा है फंडा, पहले दो जोड़ा है दो घटाया, दो जोड़ा दो घटाया, दो जोड़ा दो घटाया, हम भी करेंगे दो जोड़ेंगे दो घटाएंगे, तो एच का नंबरिंग 8, 8 में दो जोड़ेंगे 10, यानी जे से बनेगा, तो एफ खत्म हो गई और एफ खत्म हो गई, जे से बनेगा। उसके बाद पहले दो ऐड किए थे, अब दो माइनस करेंगे, ई है, ई का नंबरिंग 5 है, ई में से दो माइनस करेंगे तो इसका नंबरिंग 3 हो जाएगा, 3 किस में है सी में, यानी जे के बाद क्या होगा सी होनी चाहिए, ये भी गलत हो गई ए। यानी इस प्रकार से चलती है क्वेश्चन, पहले दो जोड़ेंगे पहले दो घटाएंगे, तो इसी प्रकार से हम भी किए, दो जोड़े हैं दो घटाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, या और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब जो हमारी है 25 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरी तरफ से सोल्व हो चुकी है, और नेक्स्ट बार भी देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए यूट्यूब चैनल रुक्मिणी एजुकेशन सेंटर पर, और 100% सफलता की गारंटी है, रीजनिंग का डेली 25 क्वेश्चन सॉल्यूशन चलता है, 100% सफलता आपको मिलेगी।